हेलो एवरीवन, दिस इज निलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, अभी तक मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन किया था। इसके साथ साथ मैंने आपको एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताए थे, जिसमें मैंने कुछ एक एग्जाम्पल बताए थे, जैसे फायरिंग बाय द गन, राइट, कोलाइजन बिटवीन द टू बॉडीज, रॉकेट प्रोपल्शन, बॉम्ब ब्लास्ट, इसमें भी कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, राइट। कुछ एक क्वेश्चंस मैंने पिछले टर्न पे ब्लॉक्स और पुली वाले भी करवाए थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। जब मैंने आपको एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताए थे, तो एग्जाम्पल्स में मैंने एक बताया था, मैंने बोला था ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें से एक था फायरिंग बाय द गन, तो मैंने आपको समझा दिया था रिकॉइल वेलोसिटी प्रॉब्लम। सिंगुलर है, समझ में आता था ना सभी को। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कोलाइजन बिटवीन द टू बॉडीज, दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ टकराती है, राइट, वो भी बताया था। और रॉकेट प्रोपल्शन भी बताया था। तो जो रॉकेट प्रोपल्शन बताया था, आज उसका समय आ गया, आज वो हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे, पूरा रॉकेट उड़ाएंगे आप लोग, क्लियर है। हाँ, वही बचपन में खेल खिला है, ऐसे हाथ कर लेते थे सब लोग, ऐसे उंगली लगा देते और सबसे पहली लाइन बोली जाती, चिड़िया क्या खाती, क्या पीती, कैसे उड़ती, फुर, कैसे उड़ती, फुर। रॉकेट भी ऐसे ही उड़ता है, फुर। रॉकेट कैसे उड़ता है, फुर। करवाओ फुर में बच जाओ। तो अगर मैं आपसे आज के बाद कभी भी पूछूं रॉकेट कैसे उड़ता है, आपको बोलना है फुर, क्लियर, क्या बोलोगे, पर चलो आप रॉकेट उड़ा। पहले एक बात बताओ, मंडी में आलू 5 रुपया किलो है, क्या का मतलब था, मंडी में आलू 5 रुपया किलो है, अपन लोग देसी में इसे ऐसे ही तो लिखते हैं 5 रुपीज पर केजी, बोलो यस सर। अपॉन में इसके कुछ नहीं है तो एक लगा सकता हूँ, मतलब का है वो जाओ, एक किलो आलू 5 रुपया की है, जी का मतलब है अतुए का नाम है, हाँ, एक किलो आलू 5 रुपया की है, ऐसे कहीं ऐसे कहते हैं, राइट। रॉकेट जब उड़ते हो तो आग लगत होगी, काय में, फ्यूल में, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा होता है वो बच जाता हो, जल जाता हो, जल जाता हो, नहीं जल जाता हो, अच्छा, रॉकेट में जो फ्यूल भरो है ना, रॉकेट में जो फ्यूल भरो है ना, कितने भर रहा है, देखो मतलब का है मुझे तुम समझा दो, अच्छा, अपॉन में कचुरा ले एक मानेंगे, एक सेकंड में 5 किलो फ्यूल बच जाओ, अच्छा, एक सेकंड में 5 किलो, और सही कही तुमने, अगर 1 सेकंड में 5 किलो फ्यूल जल जाएगा तो 3 सेकंड में है, हर टाइम पे बोल यूज, जब पूछे बोल रहे वो बंद नहीं है, क्लियर, क्लियर है, अगर 1 सेकंड में 5 किलो फ्यूल में आग लग रही है तो 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, अच्छा गुणा कर रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे, हाँ करी ऊपर बच जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रॉकेट जब ऊपर उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, जैसे ही रॉकेट उड़ेगा तो तुम्हें क्या लगा, तो रॉकेट के उड़ने से उसका मास कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा, कौन सा कह रहा हो जो कम होगा, कौन सा कह रहा हो जो कम होगा, 1, हाँ दूचे करो, पूछे करो, दिखना चाहिए, हाँ दूचे करो, कौन सा कह रहा है जो बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों, रॉकेट ऊपर जाने से मास बढ़ कैसे जाएगा, मैं ना 1 किलो को ऊपर जाऊं तो 4 किलो को ले जाऊं, बढ़ेगा तो नहीं, कितने लोग कह रहे हैं उतना ही रहेगा, ठीक है, वापस वो लोग आप खड़े कर दो जो लोग कह रहे हैं ऊपर जाने से रॉकेट का मास कम होगा, क्यों, सिंपल सा कॉमन सेंस, मैं कागज चले जाता हूँ,
कॉमन सेंस में लगाने का, रॉकेट में फ्यूल भर रहा है, जल रहा है, धुआं के रूप में निकल रहा है, निकल रहा ना निकल रहा हूँ, तो जब फ्यूल में आग लग रही है वो बंद चला जा रहा, धुआं के रूप में निकल तो चला जा रहा, तो रॉकेट को मास कहाँ है जाओ, रॉकेट ऊपर उड़ेगो तो मास कम है जाओ, मास जो बोला समझ में है। साइकिल पे आए, मोटरसाइकिल पे, कार से, हेलीकॉप्टर पे, जो कर आए पैगल वाले घटिया लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता, जो लोग साइकिल मोटरसाइकिल कार और हेलीकॉप्टर से आए मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी साइकिल के टायर में हवा डक होगी, पैदल वाली साइकिल तो देखी होगी तो वहां में हवा डक होगी, हवा कायदे डालते हैं पंप से, हाँ पंप से सही बोला, तो पंप में तो वो डिग्री सी होते वह लगा देते हैं, टायर में, टायर में ना लगा, ये भाई बोल रहा हूँ टोटी, पर टोटी है खेत का है, टोटी तो देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में, आप साइंस के स्टूडेंट्स है, नोजल नोजल से तो हवा जाती है, मैं जिक्का आएंगे नोजल नहीं है भाषा में, बोलो सांस ली लेता और छोड़ देता है, सब लोग इन द सेम वे आप लोग जो साइकिल का टायर होता है उसमें ट्यूब लगती है, ट्यूब के अंदर नोजल होता है, नोजल के थ्रू एयर अंदर जाती है बाहर आती है, ये सब लोग क्या देखना पड़ेगा अपनी बात, तो एयर के अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नोजल, राइट गाइस, नोजल। रॉकेट जब ऊपर उड़ता है, रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो नोजल से गैसें बाहर निकलती है, वो घर में तो बंदे ही रखे गड़बड़ी सूझ जाएगी छू किया आगे बढ़ते हैं, तो मैं रॉकेट उड़ाने जा रहा हूँ, हम लोगों को बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से देखना है, क्लियर, मेरी बात है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, पर आप लोग बहुत स्मार्ट है, आप लोग समझ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, रेडी। अच्छा रॉकेट जब उड़ता है तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गैसेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट गाइस, ऐसे बोलते बोलते ना बोलते ही, माइकल आंसू मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला बता दे, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, आओ रॉकेट उड़ाओ, ध्यान से देखना है, 100% अटेंशन देंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना सनसनाना साए साए, तैयार। इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट वेरिएबल्स के फॉर्म में समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं नंबर्स के फॉर्म में आपको बातें करूंगा, है ना, और आप जवाब मुझे वेरिएबल्स के फॉर्म में देना, ठीक है, अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको पता चलेगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग, ओके है, चलो आओ तुम्हें पहाड़ों में ले चलो, चलोगे पहाड़ों में, हाँ पहाड़न में आ जाओ, हाँ लुक एवरीवन, सब लोग ध्यान से देख रहा बेटा, यहाँ पर बोर्ड सबको साफ नजर आ रहा है प्रॉपर, सबसे पहले तो कहाँ चले, बोलो कौन से प्लैनेट पर चले आज हम, मार्स, तैयार बैठे सोच के बैठे मार्स पे जाएंगे, चलो मार्स पे चल रहे हैं, ठीक है, रॉकेट तैयार करवा ले, पेट्रोल पंप पे ले चले, पेमेंट करवा ले, चलो आ गए जो बढ़िया में VIP रॉकेट फर्स्ट क्लास, तो भैया ज्यादा फाजुआत नहीं होते होते, क्लियर, समझ गए का है ये, और जी आप आए फ्यूल टैंक बढ़िया चेक भी फुल कराए लो, मेहमान होने यहाँ पर उनको सस्ता मिल जाओ, उनको ले दे, ले लो नहीं ले लो, अपन छोटी मोटी बातें नहीं करते, पैक करके चलते हैं, ठीक है, तो भैया रॉकेट छकाचक मैंने फ्यूल टैंक भरवाए लो, रॉकेट फ्यूल टैंक फुल टैंक है, बढ़िया रॉकेट उड़ाने की शुरुआत करें, चलो तो मैंने मान लिया रॉकेट का जो इनिशियल मास है
that is 100 किलोग्राम, क्लियर? मेरे को 100 नहीं पढ़ाना, मेरे को m0 पढ़ाना है, पर डायरेक्ट अगर वेरिएबल समझाओ तो आप समझ नहीं पाएंगे. तो व्हाट इज द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट? 100 से आपको समझ में आता है, लेकिन आप बोलिएगा m0. क्या है इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट? m0. नंबर भी बोल दिया करो तो मेरे को ये भी लगेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट? तो व्हाट इज द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट? m0. इंक्लूडिंग फ्यूल या एक्सक्लूडिंग फ्यूल? इंक्लूडिंग फ्यूल. हां, बिल्कुल चखा चटक, क्लियर? तो मैं यहां लिखूं, गौर से देखिएगा सभी लोग. इनिशियल मास ऑफ रॉकेट विथ फ्यूल इज इक्वल टू, कितना लिखूं? एम जीरो. कहोगे कोई परेशान? क्या किलो को रॉकेट है? 100 किलो को. तो उड़े हो, उड़े हुआ तो फ्यूल भरेगा, और फ्यूल भरे हुआ तो ये जो पीछे नोजल है यहां से गैसेस निकलेंगी, और जब ये गैसेस यहां से निकलेंगी तो इस पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ, और ये उठने लगेगा अपनी जगह से. यस और नो? तो गैसेस इस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स. क्या? अपथ्रस्ट फोर्स. जो जो रॉकेट को कहां ले जा रही है? ऊपर ले जा रही है. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर? नोजल से जो गैसेस निकल रही है, गैस निकलने के बाद इस रॉकेट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स. क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स. जब मुंह है खोलो और बोलो, कहां कहते जाते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स. गूंगे तोता नहीं चाहिए, वो उठा उठा के बाहर फेंकूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ. क्या बोलते हैं इसे? अपथ्रस्ट फोर्स. कितने को लग रहा है? को लगा रहा है गियर से. क्लियर? कितने को? ये फोर्स लग कहां रहा है? जब गैसे इंजेक्ट है रही हैं या इजेक्ट है रही हैं? इजेक्ट या इंजेक्ट? इजेक्ट मतलब, इंजेक्ट मतलब. शाबाश, में मर जाऊं कसम से. सौ सवाल. तो गैसे निकल रही हैं बाहर की तरफ, इजेक्ट हो रही हैं, है ना? गैसे इजेक्ट क्यों हो रही हैं? अच्छा, फ्यूल बर्न हो रहा है. अच्छा, फ्यूल बर्न होने की स्पीड. लिसन एवरीवन, मैंने मान लिया यहां से जो फ्यूल बर्न हो रहा है, दैट इज सपोज 5 किलोग्राम पर सेकंड. कितना फ्यूल बर्न हो रहा है? 5 किलोग्राम. मतलब 1 सेकंड में 5 किलो फ्यूल बर्न हो रहा है ना? 1 सेकंड में कितना फ्यूल बर्न हो रहा है? 5 किलो. कितने अच्छे बच्चा है भगवान कसम. 1 सेकंड में कितना फ्यूल बर्न हो रहा है? 5 किलो. ठीक है, अब इसको, ये तो ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में मैंने आपको दे दिया इसको समझाने के लिए. 5 किलोग्राम क्या है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन है क्या 5 किलोग्राम? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, क्या है? यही तो सुनना चाहता था. सेकेंड क्या है? टाइम. तो ये dm/dt क्या है? 5 किलोग्राम पर सेकंड. ये क्या है? रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन. क्या है ये? रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन कितनी है यहाँ पर? 5 किलोग्राम पर सेकंड. यानी 1 सेकंड में 5 किलो फ्यूल जले रहा हुए है ना. तो यहां लिखूं, लेट द रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन इज इक्वल टू dm/dt. आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही काम को है जो तो सब बर्बाद है. 100 और 5 किलोग्राम पर, इससे समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए कर रहा हूं. समझ गए? ओके, यहां तक नजारा क्लियर है. रॉकेट उड़ना चालू हो गया है, उसमें फ्यूल चलने की जो रेट है, फ्यूल कंबशन की जो रेट है, दैट इज 5 किलोग्राम पर सेकंड, यानी कि dm/dt. मैंने मान लिया रॉकेट 2 सेकंड तक उड़ा. कितने सेकंड तक? 3 सेकंड, 4 सेकंड तक उड़ा. कितने सेकंड तक उड़ा? 4 सेकंड. और 4 सेकंड बाद रॉकेट यहां पहुंच जाओ, मतलब कहीं भी, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा. मैंने मान लिया 4 सेकंड बाद ये रॉकेट यहाँ पहुंच गया. ठीक है भैया, आपको समझ में आ रहा है? है ना? आफ्टर 4 सेकंड रॉकेट यहाँ पहुंच गया. सी क्लियर है सभी लोग? कोई दिक्कत? चलो आगे. माइंड इट, यहां लिख रहा हूं आफ्टर 4 सेकंड है, तो आफ्टर 3 सेकंड लिखू. हाँ,
सेकंड, क्लियर। आप 4 सेकंड पर फोकस करो, 4 सेकंड के बाद कितना मास जल गया? 20 किलो। कौन सा कह रहा है 20 किलो? कौन सा कह रहा है 20 किलो? काय क्या आएगा 20 किलो? अच्छा मुझे तो वेरिएबल्स में आंसर दो। अरे 20 किलो तो निकाले, नंबर में आंसर नहीं चाहिए मुझे, मुझे वेरिएबल्स में आंसर चाहिए। तो भाई 20 किलो में समझ लो 5×4 ना बोल सका, समझ गए भैया? मुझे दिख रहा है 5 किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड से फ्यूल जल रहा है, रॉकेट 4 सेकंड तक उड़ा है, कितना फ्यूल जल गया? हाँ डीएम अपॉन डीटी इंटू टी, 20 किलो से बोल रहे हो, 4×5 ही तो कर रहे हो, तो यो ना बोल सके डीएम अपॉन डीटी इंटू टी, बोला कर रहे पे फ्यूल बर्न, मास ऑफ द फ्यूल बर्न, तो यहाँ लिखो मास ऑफ द फ्यूल बर्न इन टी सेकेंड कितना है? अच्छा अच्छा ये मास है जो जली गो भाई, जली गो। अच्छा समझ गए, कितना मास चल गया? तो बताओ 4 सेकंड बाद रॉकेट का मास कितना है? आई हो बात में 4 सेकंड बाद रॉकेट का मास कितना है? कौन सा जा 80 वाला, कौन सा जा 80 वाला, सही है, बाकी तो समझ में ना आ रहा हूं। हवा हवाई 80 एक हुए नहीं आओ, अरे भैया 100 किलो को रॉकेट हो, 20 किलो जली हो, तो मास कितने बचो? 80 कैसे आओ? मैं तुम्हारी 80 समझ रहा हूँ, तुम्हें 100-20 ना समझ सकता है, चाहे 80 बोलता हूँ चाहे 100-20 बोलता हूँ, मैंने कुछ गलत कह रही, मैं कह रही हूँ तो बता रहा हूँ, 80-80 तो ठीक है, 100-20 पर सब ठीक है, वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर दो मुझे। मास अब वो है और मैं समझ गया तुमने नोट सर पे निगाह मारे ही नहीं, अरे खिलाड़ी बने बंदा तुम। मास ऑफ रॉकेट आफ्टर 30 सेकेंड क्या लिखूं बताओ? तुमने 100-80 करी थी, 100 का आओ एम जीरो, 80 का हो नहीं आई पक्का, समझ गए? मतलब कल 4 सेकंड बाद उड़ने के बाद 30 सेकंड उड़ने के बाद रॉकेट का मास आपके देख बच्चों, ये बच्चों यार लिख दो मैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा बच्चों का दीदी कह रहे हैं, ये मैं समझ गया कि रॉकेट दौड़ा दौड़ा तो बड़ा है वो है, क्लियर? जैसे पिक्चर में आते हैं अमिताभ बच्चन दौड़ रहा है, जैसे नंबरिंग चल रही है थोड़ी देर बड़ो है जाते हैं, ऐसा मजमा में एम जीरो माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी सेकेंड तक रॉकेट उड़ा, उसके बाद रॉकेट का यही तो मास बचा, बच्चा नहीं बच्चा, यहाँ तक नजारा क्लियर है बेटा, ये सारे स्टेप आपको समझ में आ रहे हैं, किसी को दिक्कत पढ़ जाऊँ आगे तो क्रॉस देखिएगा, बस यहीं से थोड़ा सा फोकस, सीन क्लियर है? यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ यहीं पर दिक्कत आती है, उसके बाद तो लोग समझ जाते हैं, यहाँ तक सीन क्लियर है, नजारा क्लियर है? रॉकेट 30 सेकंड तक उड़ चुका है, रॉकेट अब इस नजारे में, इसके बाद की बात कर रहा हूँ, रॉकेट यहाँ पहुंच चुका है, इसके बाद की बात कर रहा हूँ, अगर इसके बाद भी रॉकेट को और आगे जाना है तो रॉकेट का मास और कम होगा, सही बोल रहा हूँ? मान के चलो रॉकेट को थोड़ा सा आगे और जाना है, थोड़ा चुनचुनिया सा आगे जाना है, तो इसका मास कम होगा, कितना? चुनचुनिया सा बोले तो कितना? चुनचुनिया सा मास, तो डीएम लिख दूं, एम मास होता है, डीएम बोले तो जो लोग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, क्लियर है? अब इसको इसके आगे थोड़ा सा आगे और बढ़ना है, तो चुनचुनिया सा मास माइनस कर दूं इसमें से, नहीं यही मास में, और यही चुनचुनिया सा मास काय के रूप, अच्छा एक बात, चुनचुनिया सा मास कम हो गया, रॉकेट की स्पीड और बढ़ जाएगी,
मैंने मान लिया रॉकेट की स्पीड आगे की तरफ हो गई कितनी डीवी, कितनी हो गई डीवी, चुनचुनिया सा मास कम हो गया, रॉकेट ऊपर होता चला जा रहा है, वेलोसिटी हो गई डीवी। अच्छा ये जो चुनचुनिया सा मास कम हुआ है टाइगर रूप में निकलेगा गैस के रूप में, धुएं के रूप में, तो कितना धुआं निकल गया यहाँ से टीएम, चलो भैया यहाँ से धुआं निकल रहा है टीएम मास कम हो, जो कम हुआ है धुएं के रूप में निकला, और जो गैसेस पीछे की तरफ निकल रही है उन गैसेस की भी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, तो यहाँ से इजेक्टेड गैसेस की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मैंने मान लिया यू वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है यू वेलोसिटी से यहाँ से गैसेस इजेक्ट हो रही है बाहर की तरफ, ये क्लियर है, माइंड इट, ध्यान दीजिएगा यहाँ से रॉकेट को थोड़ा सा भी ऊपर जाना है तो मास थोड़ा सा कम हो गया, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, और यही मास गैसेस के रूप में पीछे की तरफ निकल गया और गैसों के निकलने की वेलोसिटी है यू। तो गौर से देखिएगा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ रॉकेट या लीनियर मोमेंटम कुछ भी बोल दो, मोमेंटम ऑफ रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, शॉर्ट में समझ जाओ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गैसेस, नहीं बोलोगे मोमेंटम ऑफ गैसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिख दो डाउनवर्ड डायरेक्शन, सी क्लियर है भैया, ध्यान देना आप, मोमेंटम ऑफ रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास ये हो गया वेलोसिटी ये हो गई, क्या लिखो बोलो एम जीरो माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी माइनस डी एम मास इंटू वेलोसिटी, क्लियर है, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गैसेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मास डी एम वेलोसिटी यू, यहां तक नजारा क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ओके लिसन एवरीवन, यहां मैं कुछ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भी बता रहा हूं, पहले इधर देखो यहां तक स्टेप क्लियर है सभी को, तो ये बेटा मैंने लिखा एम जीरो माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी, ठीक है भैया, इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एम इंटू यू, काय की कमी पेशी रह गई है, काय के बुरा लग रहा हूं डीएम छोड़ रहा हूं, बिकॉज डीएम इज वेरी स्मॉल सो इट विल बी नेग्लिजिबल, इट विल बी, चूंकि डीएम की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है इसलिए फिजिक्स में जो चीजें बहुत ज्यादा छोटी होती है उसे हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो बिकॉज डीएम इज वेरी स्मॉल सो इट विल बी नेग्लिजिबल, अब हमने इस डीएम को क्या कर दिया नेग्लिजिबल मान लिया, यानी जीरो के बराबर मान लिया, राइट, अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार चाहे मान लो तो भाई जी क्यों ना मानो, जी क्यों ना मानो, राइट, तो आप गौर से देखिए डीएम अपने आप में बहुत छोटा वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर देखो डीएम का मल्टीप्लाई टी से हो रहा है तो फिर ये छोटा नहीं रहेगा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, समझ पा रहे, ऐसे ही सेम ईयर नहीं है मेरी बात, तो इसी को क्या हटाया, बात समझ में आएगी आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं, अब मुझे इस रॉकेट का एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है भरो, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डीटी, पढ़ा है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डीटी, मेरे पास डीवी आ गया है, अगर मैं यहाँ पे डीटी का डिवाइड कर दू तो डीवी अपॉन डीटी की जगह ए रख सकता हूँ, बोलो भैया, तो गौर से देखिएगा सभी लोग, डिवाइड बाय डी टी एट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने डी टी का क्या किया डिवाइड किया, क्योंकि बैलेंस तो करनी पड़ेगी ना, एम जीरो माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी, क्या मैंने डी टी का डिवाइड किया, ऐसे मैंने डी टी का डिवाइड इधर भी किया, सेम क्लियर है आता सभी को, किसी को दिक्कत, इस डीवी अपॉन डी टी की जगह क्या लिख दू ए, है ना, क्यों लिखा मैंने समझ में आ रही है, बिकॉज ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, राइट, डीवी अपॉन डी टी की जगह ए रख दिया, ये ऐसा कि ऐसा यू इंटू डी एम अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय, ये पूरा आइटम नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एम
जीरो माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी। क्या स्टेप समझ में आ रहा है? ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ऐसे याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसे याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको आसान करने के लिए हमने लिख दिया लेट आर इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी। डी एम अपॉन डी टी क्या था? रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन थी, तो डीएम अपॉन डी टी को हमने छोटा करके क्या लिख दिया आर। आर क्या है यहाँ पर? रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। क्लियर? तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू यू आर अपॉन एम जीरो माइनस आर टी। सेम क्लियर है? या दो फॉर्मूले याद करने के लिए हो जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सेम क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाओ। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो गौर से देखिएगा यहाँ पर। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया साइकिल का, रॉकेट का। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ होगा। ये एक्सेलरेशन आ गया ए इज इक्वल टू यू आर अपॉन एम जीरो माइनस आर टी। रॉकेट का ऊपर की तरफ फोर्स भी लग रहा है, ऐसे फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। तो मुझसे कह रहा है कि मैं इस फोर्स की वैल्यू भी बताऊं। तो भैया अपथ्रस्ट फोर्स कौन सा फोर्स? अपथ्रस्ट फोर्स। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, अपथ्रस्ट फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टी सेकेंड बाद कितना मास था? एम जीरो माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी, मास इंटू एक्सेलरेशन। स्टेप समझ में आ रहा है? इसको ऐसे लिख दू एम जीरो माइनस डी एम अपॉन डी टी की जगह आर टी। स्टेप समझ में आ रहा है? ए का फॉर्मूला वाले ही ताजा ताजा निकालो है, तो ए की जगह क्या लिख दू यू आर अपॉन एम जीरो माइनस आर टी। एम जीरो माइनस आर टी से एम जीरो माइनस आर टी कट गया। अब थ्रस्ट फोर्स को एफ से डिनोट कर दो, तो एफ इज इक्वल टू रॉकेट कैसे उड़ता? क्लियर? ये फॉर्मूला है। क्लियर? कोई खेल नहीं खिला रहा हूं आपको। रॉकेट कैसे उड़ता है? तो इसे याद हो जाएगा आपको फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू यू आर। आर क्या है यहाँ पर? रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। आर क्या है? रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। और यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड गैसेस। यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड गैसेस। सेम क्लियर है सभी को? कर पाएंगे? किसी ने पूछ लिया रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो बोलना इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलोगे? इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैंने आपको एक से दो मिनट का समय दिया, फटाफट आप लोग इसे देख लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब अगर मान के चलो कोई मुझसे ये पूछता है कि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो मुझे मालूम है रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाएगा टाइम बढ़ेगा या घटेगा? टाइम बढ़ेगा। यह सर लोग क्योंकि रॉकेट ने जैसे ही अर्थ का सर्फेस छोड़ दिया धीरे धीरे करके टाइम बढ़ता चला जा रहा है। यह सर लोग इतना तो सबको समझ में आता होगा। ओके, कायदे से वैसे देखा जाए तो मैंने आपको जो समझाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक्सेलरेशन और टाइम इनवर्सली है, तो टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये नेगेटिव है। यहाँ टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये मैं आपको समझाता हूँ, आप बताओ। आप जितना पढ़ लिख गए हो, मैंने आपको सैलरी ऑफर किया 100 माइनस 100 अपॉन 10 माइनस 2 इंटू 3। बता सकते हो अभी आपकी सैलरी कितनी है? लाख रुपए महीना। बताओ ये कितनी सैलरी है? 2 3 6 10 माइनस 6 4 100 अपॉन 4 25 लाख रुपीस पर मंथ। सही बोल रहा हूँ? कितनी सैलरी है आपकी? यानी 25 लाख रुपए महीना सैलरी आ रही है आपकी। कितनी आ रही है? अब आप एक बार बताओ, चाहे 3 से बढ़ाया गया, अगर यहाँ 4 करता हूँ इसको बढ़ा रहा हूँ, तो इसको बढ़ाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा? अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देखो 3 को बढ़ा के 4 कर दिया, तो 4 2 8 10 माइनस 8 2
100 अपॉन 2 50 लाख रुपीस, यानी इसको बढ़ाने से सैलरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यही वाला फॉर्मेलिटी पर लिखा हुआ है, नहीं है बात समझ में? क्लियर है? तो सेम यहाँ पर टाइम बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हमने पूरा रॉकेट पढ़ लिया, सब कुछ बता दिया, हमारा रिलेशन भी आ गया, लेकिन आप एक बात बताओ इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मजे, कोई भी चीज हवा में फ्रीली होती है तो उसमें ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है, वेट हमेशा एम जी, और एक्सेलरेशन कोई पीछे नीचे की तरफ कितना लगेगा? तो जी ग्रेविटी। ये सर हमने कहीं लगाया है रॉकेट तो हवा में ही दौड़ रहा था, तो ग्रेविटी लगातार उसे कहां की तरफ खींच रही होगी, और ऊपर की तरफ ताकत ज्यादा थी इसलिए वो ऊपर चला गया। बोले भैया, अदरवाइज ग्रेविटी तो उसे लगातार नीचे की तरफ खींच रही होती, क्या हमने यहाँ पे कहीं भी लगाया ग्रेविटी? नहीं लगाया, राइट? ग्रेविटी नहीं लगाया। ये फॉर्मूला बेटा तब है जब हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जब हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर उसने बोला ग्रेविटी को कंसीडर करो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो आप लोग मुझे बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इशारा मैं कर रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। रॉकेट उड़ कहाँ रहा है? ऊपर। रॉकेट ये जो है ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है ए एक्सेलरेशन से, जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है, यू आर अपॉन एम जीरो माइनस आर डी, राइट? अगर मैं ग्रेविटी को कंसीडर करता तो ग्रेविटी कहां लगती? नीचे। क्योंकि भले ही हमने ग्रेविटी कंसीडर नहीं की, पर रियलिटी में, रियल लाइफ में तो ग्रेविटी लगातार काम कर रही है। एक्सेलरेशन ऊपर काम कर रहा है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, लेकिन रॉकेट कहां जा रहा है? तो बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए माइनस जी। समझ, अगर ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, ए की जगह क्या काम करूं? यू आर अपॉन एम जीरो माइनस आर टी माइनस जी। अगर ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो इसके बाद एक नोट दिया होगा, पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उस न्यूमेरिकल में मेरे से बोल रहा है कि एक रॉकेट है ना, उसमें फ्यूल कंजम्पशन जो है वो 100 किलोग्राम पर सेकेंड हो रहा है। आप लोग मुझे बता सकते हैं ये क्या देने की कोशिश की उसने? रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, या डीएम अपॉन डीटी भी बोल सकता हूँ, राइट गाइस? यानी उसने मुझे रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन दे दिया और कह रहा है उसमें जो गैसेस निकल रही है, गैसेज निकलने की जो स्पीड है दैट इज 4.5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। मुझे बता सकते हो ये क्या दिया है? यू। तो कह रहा है कितना थ्रस्ट लगेगा? एम। क्या फॉर्मूला है? हेलो भैया, एफ इज इक्वल टू यू आर। यू कितना है हमारे पास? 4.5 × 10⁴। रेट कितनी है? 100। 100 को 10 लिख दू, 10 का स्क्वायर 100 ही होता है, तो ये हो जाएगा 4.5 × बेस सेम होती है तो पावर एड हो जाती है। फोर्स निकाला, यूनिट क्या होगी? न्यूटन। फोर्स को कहां में रखते हैं? न्यूटन में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4.5 × 10⁶ न्यूटन। नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे को जो अगला न्यूमेरिकल दे रहे हैं उसमें कह रहा है इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज 6000 kg। तो इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट को हम लोग M0 से डिनोट करते थे। अब वो कह रहे हैं उसमें जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो 16 किलोग्राम पर सेकेंड हो रहा है। इसका मतलब क्या दे दिया उसने आपको? आर दे दिया, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, राइट? और उसमें जो गैसेज इजेक्ट हो रही है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। पता हो भैया यू? यू कितना दिया हमको? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 11 किलो कितना होता है? 10³। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 × 10³ लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? एक्सेलरेशन पूछ रहा है रॉकेट के 1 मिनट तक उड़ने के बाद। 1 मिनट बोले तो कितना सेकंड? 60 सेकंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो भैया फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का? U = m0 - r। सभी को सारी वैल्यूज आपको दी है, यू है आपके पास? यू 11 × 10³। आर है आपके पास? 16। एम जीरो इज 6000। आर कितना है अपने पास? 16। टी कितना है अपने पास? 60। अब तक कर लोगे? आंसर बोले कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? 34.92
नहीं तो कर सकते, नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई वाज रेडी टू ऑल यू गाइस। जय हिंद।